हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जिनका लॉकडाउन में फिलहाल नौवा महीना चल रहा है, डिलीवरी जस्ट कुछ ही दिन में होने वाली है। वो लोग काफ़ी परेशान हैं कि हम डॉक्टर के पास विजिट के लिए नहीं जा पा रहे हैं, हमारे जो नौवे महीने का अल्ट्रासाउंड था वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर इनके से हमारे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे हमारी डिलीवरी होगी और किन किन बातों की हमें सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीज़ें हमें घर से हॉस्पिटल के आपको लेके जानी चाहिए ताकि आपको कोरोना वायरस है वो प्रभावित ना करे, लॉकडाउन आपको प्रभावित ना कर सके। तो इसके लिए मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ और जिनकी डिलीवरी अभी होने वाली, 6 की 6 बातें आपने जानना बहुत बहुत जरूरी है ताकि आपके डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 6 बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो यही कि आप 8 महीने तक डॉक्टर आपको मंथली विजिट के लिए बुलाते हैं, लेकिन 9 महीने में डॉक्टर आपको वीकली बुला सकता है या 15 डेज में आपको विजिट के लिए बुला सकता है। अगर आपका रेगुलर चेकअप है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, तो आप अपना रेगुलर चेकअप है अभी कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे कि आपको पानी की थैली है वो फट गई है या फिर आपको प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, आपको जो ट्रू लेबर पेन है, डिलीवरी वाले पेन है, वो अगर हो रहे हो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। उस केस में आपको घर पे नहीं रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको हॉस्पिटल के 2 या 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर इन केस आपका एक फ़ोन नंबर नहीं मिलता है या फिर कोई उठाता नहीं है, तब दूसरा ट्राई कर सके, तीसरा आप ट्राई कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले ही आपने फ़ोन कर लेना है कि डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर इन केस डॉक्टर आसपास कहीं गए हुए हैं तो जो स्टाफ होती है वो हॉस्पिटल को अवेलेबल आपके लिए करवा सकें कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। थर्ड इम्पोर्टेंट बात कि आपको अगर पर्सनल गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पर्सनल गाड़ी आपके पास नहीं है तो एम्बुलेंस के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अब आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आप रेंट की गाड़ी से आप जाना चाहते हैं तो उसके आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। और उनको पहले से ही बोल के रखिए कि अब हमें कभी भी जो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्लीज़ आप तैयार रखिए अपनी गाड़ी को। फोर्थ इम्पोर्टेंट पार्ट कि कुछ लोग काफ़ी परेशान है कि मेरा तो 9वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड है वो नहीं हो पाया है। तो देखिए, परेशान ना हो, जिनका 5वां 6वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है, सेकंड लेवल का जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो अल्ट्रासाउंड अगर आपका नॉर्मल है, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप इस जो अल्ट्रासाउंड है उसको स्किप कर सकते हो। ज़्यादा जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि फिलहाल आपके लिए सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है अल्ट्रासाउंड के बजाय। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो परेशान ना हो। 5वीं इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अभी जो है हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही लोग अलाउ हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, तो 2 लोग आप ऐसे लेके जाइए जो आपको केयर कर सकें, आपको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो ज़्यादा बेटर रहता है आप एक मेल लेके जाएं, एक फीमेल लेके जाएं। फीमेल में जैसे आपकी मम्मी या सासू माँ या बहन बहन, जिसको भी आप जिसके सामने आप कंफर्टेबल हो, जो आपकी वहाँ केयर कर सके, क्योंकि वहाँ आपको एवरी टाइम आपके पास एक लेडी है पास में रहती है। जैसे आपको वॉशरूम जाना है या फिर कुछ खाना पीना है, आपको बैठाना है, थोड़ी हेल्प चाहिए होती है लेबर पेन के दौरान और डिलीवरी के बाद भी आपका बेबी को हैंडल करना होता है, जो आप पास में लेडी होती है, तो आप एक लेडी लेके जाइए, एक कोई भी मेल लेके जा सकते हो, आपके हस्बैंड हैं, कोई ब्रदर है, हस्बैंड इन केस नहीं है तो ब्रदर इन लो, जो भी आपको ठीक लगे उनको एक के लेके जाइए, ताकि बाहर के काम वो कर सके, मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आनी हो या फिर कोई कागजी कार्रवाई जो करते हैं तो वो जेंट्स संभाल सकें। तो एक मेल एक फीमेल आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। 6th इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखो, घर से अपना सारा सामान जितना पॉसिबल हो आप घर से लेके जाएं, जैसे अपना सैनिटाइजर है, अपने पैड है, बच्चे के डायपर हैं और कोई फीडिंग बोतल है, फॉर्मूला मिल्क है, ये सारी चीज़ें। आप सोचोगे ये तो हॉस्पिटल में मिल सकती हैं, बट वो कितनी हाइजेनिक होगी, किस किसने उनको टच किया होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। और आप घर पे आप कुछ दिन पहले ही इन सब चीज़ों को मंगवा लें और 7-8 घंटे आप धूप में रख दें उनको। अगर कोरोना वायरस का कोई प्रभावित इंसान ने उनको टच किया होगा तो कोरोना वायरस है वो मर जाएगा, आपके लिए चीज़ें सुरक्षित हो जाएंगी, कोई आपको प्रभावित नहीं करेंगी। तो पहले मंगवा के रखिए, कोई भी आप एप्पल फ्रूट्स वगैरह बनाना है, 1-2 दिन पहले ही आप मंगवा के रख लें, ताकि आप घर से अपना ड्राई चीज़ें हैं, कुछ भी सामान है इम्पोर्टेंट है वो आप लेके जा सकें। वहाँ पे अच्छे से आप सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, अपने कोई पानी की बोतल वगैरह है वो आप घर से आप लेके जा सकते हो, यानी जो जो भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, आपका वहाँ काम नहीं चलेगा उसके बिना, वो चीज़ें आप लेके
जा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी प्रकार की मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।